नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह भी मैं आज एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जो आप देख सकते हैं, जो आपके घर में फोर बर्नल स्टोव रहता है, जैसे गैस स्टोव बोलते हैं, सिगड़ी भी बोलते हैं इसको, तो ये फॉर्मल स्टोव ऐसा धीरे धीरे चलता है। कैसा? देखो, एकदम धीरे चलता है। ये चालू किया तो वो बंद हो जाता है, वो चालू किया तो ये बंद हो जाता है। अगर एकदम धीरे धीरे वो चलता है तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने चैनल को, वो क्या बोलते हैं, फॉलो रहता है सब्सक्राइबर, मेरे को नाम नहीं आता है, वो कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि धीरे गैस चल रहा है आपका, तो उसको आप फुल कैसे करेंगे। आप चालू करते हैं और गैस धीरे धीरे जलता है। ये जैसे मैं चालू किया तो ये धीरे धीरे जल रहा है, देखो इधर ऐसा। इसको फुल कैसे करना है, इसका मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सब निकाल दीजिए और ये खटका है ऊपर का, ये बंद कर दीजिए। दिख रहा है रेगुलेटर का खटका, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ये नीचे किया तो ऑफ हो गया। ओके, अब इसकी ये वाइटियां निकाल देंगे अपन। अभी अपन पूरे स्टैंड स्टैंड सब निकाल देंगे इसके। जैसे कि आपने उसके ऊपर बाटिया रहती है, ये प्लेटें रहती है, जो भी इसके ऊपर है खुला सामान है, जो निकाल देने का और स्टोव को उल्टा कर देने का है। हो गया उल्टा, ऊपर का वाल बंद है, नीचे सिस्टम। आपको कैसे भी इसको उल्टा करो तो कुछ लीकेज वीकेज नहीं होगी, डरने की बात नहीं रहती। ये नली रहती है, ये नली को ऐसा अपन निकाल देंगे ऐसा करके। कोई कोई में स्क्रू रहता है, कोई में नहीं रहता। ये निपल है जेड, इसको अपन पाने की मदद से खोलेंगे। देखो यहाँ निपल है, दिख रही है आपको? कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा जूम करके बताएं। हाँ, ये निपल रहती है, ऐसा खोल देने का। पकड़ पिलास कैसे भी खोल सकती है इसको, थोड़ा आराम से खोलेगी, नहीं तो टूट जाती, बहुत छोटी रहती। देखिए इसके अंदर छिद्र रहता, इस छिद्र में कचरा होगा, 100 में से 100% कचरा होगा। इसको झिटक के देखेंगे, हाँ इसके अंदर कचरा आ जाता है। कभी कभी क्या रहता है, अपने घर का किचन ओटा रहता है, इसके ऊपर शक्कर मीठा कुछ गिर जाने से क्या होता है कि जो कीड़ी रहती, मुंगिया बोलते उसको, कीड़ी भी बोलते, कीड़ी बोलते उसको, वो कीड़िया क्या रहती है, वो स्टोव का ये छोट बारीक रहता है, इसके अंदर घुस जाती है। जैसे ही गैस चालू करते है, ढक्कन देने आके बंद हो जाती है। ये इसको सुई लगा के अपन उसके अंदर से कचरा निकाल दिया। अभी चारों को धीरे धीरे मैं निकाल दूंगा कचरा। इसी तरह जो अपनों नली निकाले हैं, वो नली निकाल के ये साफ करके आप वापस लगा के इसको भी चालू कर दीजिए। और आगे का स्ट्रेप है बताऊंगा मैं आपको, ऐसी एक सुई लाने का, अगर सुई नहीं है तो पिन लाने का, पिन नहीं है तो कांटा लाने का, कांटा रहता पिन, किसी चीज से आप इसको आसानी से ये निपल को आप साफ कर सकते हैं। दिख रही है आपको सुई, जो हर घर में होंगी, आजकल हर घर में सुई मिल जाएगी आपको। ये सुई से, पकड़ से ये आप नली निकालना है। ये नली कैसे भी निकली तो नहीं टूटती है, एल्युमिनियम की नली है, और इस नली को निकाल के ये साफ करके वो नली वापस लगा दीजिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये निप्पल ही खोलना पड़ेगा। आप इसको अपन अपन निप्पल ही वापस टाइट करेंगे। ये जो नट है, ये नट को थोड़ा टाइट करती टाइम ध्यान रखने का है, ज्यादा टाइट नहीं करने का है, और इसको लूज भी नहीं छोड़ने का है। दोस्तों ध्यान रखना, इसको ज्यादा भी टाइट नहीं करना है और लूज भी नहीं छोड़ना। थोड़ा लूज छोड़ दिया तो गैस लीकेज हो जाएगा, ज्यादा टाइट किया तो निपल टूट जाएगी। इसलिए वो नट थोड़ा मेरा अभी मैं लूज कर दिया था, वो नट खोलने की जरूरत नहीं आपको, ये आप वापस टाइट कर दीजिए। बस हो गया फिट, ये हो गया स्टोव, हो गया। अभी ये दूसरा, इसके यहाँ पे स्क्रू रहता है, ध्यान दीजिए। ये स्क्रू इसका भी था लेकिन इसके स्क्रू नहीं है, लेकिन ये मेन स्क्रू है। ये स्क्रू निकाला तो ही वो निकलती नली बाहर, नहीं तो नहीं निकलती है। देखो सबको स्क्रू है लेकिन इसको स्क्रू नहीं था, और स्क्रू का खास कर ध्यान रखने का है। और ये डबल आप दूसरी जगह से भी खोल सकते हैं, आपको नली खींच के निकालना नहीं जम रहा है तो ये जो नट है
इसको अपन ऐसा खोल देंगे, इसको खोल के अपन ये बर्नल डाइजेट बाहर निकाल देंगे, और बर्नल बाहर निकाल के वो निपल निकल गई देखो सामने। इसको अपन को नली को हिलाने की डुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बड़ा नट खोल दिया अपन ने, बर्नल निकल गया, अभी अपन उसको आसानी से खोल सकते। ये एक आसान, बोले तो आसान प्रक्रिया है, इसके अंदर डरने की बात नहीं है। अपन कोई चीज गैस का खोल नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ ये निप्पल खोल रहे, इसके अंदर गैस का कुछ कनेक्शन नहीं है, देखो किसी चीज का कनेक्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कचरा आ गया तो अपन खोल के इसको फिट कर रहे हैं। कोई डरता है गैस का काम है, अपन खोलेंगे लीकेज हो जाएगा, या निप्पल तक आप खोलोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई डर या भीति नहीं है, डर की बात ही नहीं है। जैसे ये निप्पल खोली है वैसे बर्नल खोल खोल के मैं सभी को कर देता हूँ, एक एक करके चारों को कर देता हूँ मैं। ये निप्पल ऐसा थोड़ा टाइट करने का, ज्यादा टाइट किए तो वो टूट जाती है, अगर वो टूट गई है तो वो गैस चालू नहीं करना है, कहीं मैकेनिक के पास रह जाके वो नली बदल के करना पड़ता है, क्योंकि वो निप्पल अंदर टूट जाने के बाद ठीक नहीं होती है, वो निकलती नहीं है। ये नट वापस लगाओ इसको, ये क्लिप, और इसको टाइट कर दो बस, ये कैसा भी टाइट करो, नॉर्मल लूज, इसका कुछ लेना देना नहीं रहता। ये लूज करा तो हिलता है ऐसा बर्नल, बोलते ना कि मेरा बर्नल हिल रहा है, वो इसी नट के कारण हिलता है। ये नट भी वापस टाइट करेंगे अपन छोटा, इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, अगर आप अपने पास है तो वो टाइट कर दीजिए, नहीं तो बगैर काम का वो घूम जाता है नट, वो नट इसके टाइट कर देना। तो अभी ये दूसरा नट खोलेंगे अपन, दूसरा उसी तरह ये विधि से ही साफ करेंगे अपन, ये नट खोल देंगे और बर्नल खोल देंगे, दोनों खोल के अपन साफ कर देंगे। मैं आपको ज्यादा बताने से पहले ये पेचकस, एक पेचकस और वो पाना है 16-17 का, और ये छोटा पाना है 5 और 6 का है, ये 5-6 का पाना लगता निप्पल को, ये 5 है और उधर ये 6 है, 5 और 6 का पाना लगता है, जो आपको बाजार में किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। ये पाना लाने की जरूरत नहीं है, वो पक्कड़ पिलास से भी अपन इसको खोल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये दो चीज ये हो गई है, और वो मैं साफ कर दिया है, चारों हो गई। अभी मैं ये नली लगा दूंगा, मैंने नली निकाल दिया था, कैसा है नली ज्यादा इधर उधर सिगड़ी हुई तो अपन को, तुम्हारे को नली निकालने की जरूरत नहीं है, सिगड़ी को सीधा उल्टा भी ऑन कर देंगे अपन, ऑन करके ये वाटिया रखेंगे अपन वापस, सभी वाटिया रख के एक बार चालू करके आपको बताऊंगा कि अभी कैसा चालू हो रहा है और पहले कैसे हुआ था। अपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे का और कोई गैस में प्रॉब्लम रही तो आपको मालूम चले। ये लाइटर है, चालू करेंगे, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओके, ऐसा जलना ना गैस, तो ऐसा जल रहा कि नहीं ऐसा, ये दूसरा बताऊंगा मैं आपको, ये भी रेडी रेड है, हिरवी एकदम हरी लाल आ रही, आँच आ रही कि नहीं, ऐसा हरी आँच आना, वेरी गुड। ये और ये चौथा देख लीजिए दोस्तों, ये जल गए चारों। तो ऐसे अपन घर बैठे गैस को, धीरे गैस को अपन फुल कर सकते हैं आसानी से, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भीति नहीं है। मेरे चैनल पे सभी, आगे जाके कुछ और दूसरी कुछ गैस में प्रॉब्लम है तो सभी वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, धन्यवाद।